हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं कहाँ आ गई। ये मेरी ननंद का घर है। अब मैं उनका गार्डन दिखाती हूँ आपको। यहाँ तो लोग गार्डन को खूब अच्छी तरह मेंटेन करके रखते हैं। ये फ्लावर तो मालूम है आपको, ये एंडियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्राउंड ऑर्किड। ये भी देखिए कैसे पेड़ पे लटका के रखे हैं, ये हैंगिंग कितना सुंदर लग रहा है। सबसे मज़ेदार पार्ट है ये नारियल के शेल में, देखिए कैसे लटका के रखे ऐसी ग्रीनरी, और पूरे पेड़ में ऐसी लटका के रखे, बहुत सुंदर दिखता है। और ये वाला भी देखिए पेड़ में कैसे कितना हैंग किए, सारे भरे भरे सारे नीचे तक लटक रहे हैं। और ये देखिए ये कैसे इसको लटका के रखे पेड़ पे, पेड़ भी कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ गार्डन में पानी दे रही है, गर्मी बहुत है, रोज़ तो देना ही पड़ेगा। और ये देखिए ये वाला फ्लावर, एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कलर, मैजेंटा कलर में है। इसमें तो इतना पता नहीं चल रहा, सामने से बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए जो येलो कलर का फ्लावर है ना, इसको कन्नप्पू बोलते हैं। ये विशु फेस्टिवल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसको पैशन फ्रूट बोलते हैं। ये तो रिच इन सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स, और ये तो रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स भी है। और ये देखिए अपना काली मिर्च, ये तो एक बार निकल चुका है, देखिए इसको पेड़ पर कैसे फैला के रखे। ये देखिए नारियल को कैसे तोड़ के नीचे डाला गया है, ये घर के यूज़ के लिए है। और ये कटहल का पेड़, छोटे छोटे कटहल लगे हुए हैं। और ये अपना नारियल कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। ये देखिए घर के अंदर भी प्लांट्स लगा के रखे हैं, एलोवेरा मनी प्लांट, देखिए इधर भी मनी प्लांट लगाए हैं। और ये देखिए लंच तैयार की मेरी ननद ने, एकदम यम्मी टेस्टी क्रैब करी, कैबेज तोरण, चिकन फ्राई, फिश फ्राई, एकदम भर पेट हमने बहुत ही टेस्टी यम्मी लंच किया। लंच करने के बाद हम इनके चाचा चाची के घर गए, वहाँ से कम आधा घंटे का रास्ता था। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हम इनके चाचा चाची के घर पहुँच गए। ये देखिए पहले डॉगी रखते थे, अभी डॉगी नहीं रहा तो अभी नारियल रखते हैं। ये मुर्गी का घर और ये कुआं कितना सुंदर है ना। और ये देखिए चाची और चाची की बहू दोनों मिलके चिकन करी बनाए हमारे आने के बाद। हमने मना किया था कि हम बोले थे हम लंच करके आए हैं, पर नहीं, ज़बरदस्ती हमें खिला पिला के ही भेजे। फिर उसके बाद हम इनकी मौसी के घर गए। इनकी मौसी को हम मणि आंटी बुलाते हैं। मणि आंटी ने इतना टेस्टी मलाबारी बिरयानी बनाया था, पर मैं वो शूट करना भूल गई। तो हम बोले आंटी, एक तो हम लंच करके आए, फिर यहाँ पे चाची ने चिकन करी बना के दिया था, तो हम लोग बोले कि अब तो बिल्कुल पेट में जगह नहीं है। तो फिर मणि आंटी ने हमें उसको पैक करके रात के डिनर के लिए दिया। बहुत ही टेस्टी बिरयानी था मणि आंटी, मलाबार बिरयानी। और आप देखिए कैलीकट का नज़ारा देखिए, घूमिए हमारे साथ कैलीकट। उसके बाद हम गए पीतल तांबे की शॉप में, देखिए वैरायटीज ऑफ पूरा आपको दिया ही मिलेगा, दिया दिया से रिलेटेड हर चीज़। और ये देख रहे हैं सामने वाला, ये जो बड़ा दिया, ये लोगों ने बताया कि 25,000 रुपीज़ का है, और पीछे वाला 80,000 का, जो ये बड़ा वाला, ये देखिए जो मोर वाला। और ये जो मटका टाइप है, ये मेटल का है, ये कुकिंग के लिए, राइस कुछ भी। और ये देखिए कितने सारे दिया और हैंगिंग दिया, बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के वैरायटीज ऑफ अलग अलग टाइप के दिखाई दिए।
ये देखे, ये है कोयास हॉस्पिटल, यहाँ मेरे हस्बैंड का बर्थ हुआ था। ये देखे, ये सुपारी है, और यहाँ ये आपको ना हर जगह ये नज़ारा दिखाई देगा, ये वैराइटीज ऑफ केला ऐसे लटके हुए हर दुकान में आपको दिखाई देगा। ये है तपड़म, मैं आपको दिखाई थी पड़मपुरी का रेसिपी, ये इसको बोलते हैं तपड़म। और वो जब कच्चा रहता है, ये देखिए उसका चिप्स तैयार कर रहे हैं, देखो कैसे मशीन से कटिंग हो रही है। केले का छिलका निकाल के रखा हुआ है, और ये देखिए हल्दी और पानी में डिप किया हुआ है, और ये जलाने के लिए उसका छिलका, नारियल का छिलका देखिए, और वहाँ पे तला जा रहा है चिप्स। ये देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम वहाँ से ननंद की बहू के घर आए। सबको यहाँ पे गार्डन का बड़ा शौक है, गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखिए लॉटस, ये तो कली में इतना बड़ा दिख रहा है, ये जब पूरा खिलेगा तो कितना बड़ा होगा वो देखना था मुझे। और ये देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स, बोगनविला, देखिए पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी। ये देखिए काली मिर्च की बेल, देखो पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ गई, ऊपर तक कैसे तोड़ते होंगे ये पीस लिली। ये देखिए केरला के हर मलयाली के घर में ऐसे दिया जलाया जाता है, शाम के टाइम आंगन में रखते हैं दीपम दीपम बोल के, बहुत सुंदर पवित्र नज़ारा। और ये उनकी घर की बिल्ली, ये देखिए हम पहुंच गए। हमारा स्टे 2 दिन का ही था, और हम यहीं स्टे किए थे। और जो राइट साइड में दिख रहा है ना, वो हाईलाइट मॉल है, और जो पीछे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं उसको हाईलाइट रेजिडेंसी बोलते हैं। और ये मेरे जेठ जी का फ्लैट है यहाँ पे, तो हम यहीं स्टे किए थे, और उन लोग दुबई में सेटल्ड है विद फैमिली। अब आपको मेरा केरला का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।